बोकारो जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष एवं चास प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष ने कुर्मा में हरिजन टोला में सड़क का किया निरीक्षण। जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल एवं चास प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पंचायत काशी झरिया के ग्राम कुर्मा हरिजन टोला में बने सड़क का औचक निरीक्षण किया। जाँच के दौरान सड़क निर्माण में व्यापक गड़बड़ी पाई गई। कुछ दिनों बने सड़क में गड्ढे और घास का उगाना, सड़क से अलकतरा एवं चिप्स मिट्टी का पैरों की खुरचन मात से ही अलग हो जाना, यह दर्शा रहा था कि यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चास प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष ने वही कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर हम जांच में आए थे और निरीक्षण से स्पष्ट है कि संवेदक ने बहुत ही निम्न दर्जे का कार्य किया है। हर हाल में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस जांच टीम में जिला 20 सूत्री अध्यक्ष अजीत सिंह चौधरी, कन्हैया पांडे मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। खाली पूरा कुर्मा रोड नहीं, जितना रोड आरियो में बना है केवल रोड के नाम पर लूट किया गया है। आज इसको उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। खाली पूरा नहीं, अब बार कुसमा का भी जनता का शिकायत है। रोड में क्या चीज़ मिला, क्या देखे आप वहाँ? देखिए घास निकल रहा है, रोड में घास निकलता है। हाफो इंची, हाफ इंची भी मैंने पिचिंग नहीं है। जनता के टैक्स के पैसों से सरकार सभी विभागों को विकास मद की राशि उपलब्ध कराती है और विभागीय उदासीनता बोले या विभागीय भूल कि इस तरह के कार्य संवेदकों के द्वारा किया जा रहा है और विभागीय अधिकारी उस चीज़ का अगर समीक्षा समय समय पर नहीं कर रहे, उसी का दुष्परिणाम का असर है। और एक भ्रष्टाचार का जीता जाता नमूना दिखा था ये हरिजन टोला कुर्मा में बना हुआ प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क। हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जैसे आपको कहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और एक भी दोषी बिना कार्रवाई के नहीं बचने वाले हैं, इतना आपको बोला जाए। पूरा मोड़ से कुर्मा तक निर्माणाधीन सड़क का ग्रामीणों एवं मुखिया उप मुखिया के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके तहत आज विश्वतरी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का टीम हम लोग आज कुर्मा हरिजन टोला पहुँचे थे। वहाँ जो निर्माण कार्य का स्थिति देखे, इससे साफ स्पष्ट होता है कि आरईओ के पदाधिकारियों का लापरवाही के कारण निर्माण कार्य में काफ़ी अनियमितता है और इसका इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज प्राइवेट आईटीआई पतरातू रामगढ़ झारखंड। नामांकन सूचना। भारत सरकार एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फीटर मैकेनिक डीजल वेल्डर जीएमएडब्ल्यू एंड जीटीएडब्ल्यू। हमारे यहाँ छात्रावास एवं छात्रवृत्ति सुविधा, 100% प्लेसमेंट की सुविधा, यशस्वी शिक्षा और कौशल विकास योजना के तहत छात्राओं को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। हमारा मोबाइल नंबर 8 7 6 7 0 7 9 9 6 9 6 9 6 1 8 0 0 9 6 8 2 9 4 1 2 8 7 2 7।